नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा होली में दो गुट आपस में भिड़े, ताबड़तोड़ चले पत्थर, चार लोग घायल, कबाड़ी मोहल्ले की घटना। खबर मध्य प्रदेश के रीवा में, आज लोग होली के जश्न में दिन भर डूबे रहे। इस दौरान कुछ घटनाएं भी हुई, लेकिन अलर्ट मोड में रही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था बनाई। ताज़ा घटना सिविल लाइन थाना अंतर्गत कबाड़ी मोहल्ले में घटी, जहां शराब के नशे में दो गुट आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बड़ा कि एक दूसरे पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। इस पत्थरबाजी में चार लोग घायल हुए, जिन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस तुरंत कबाड़ी मोहल्ले पहुंच स्थिति को काबू में करते हुए शांति व्यवस्था कायम की। आइए जानते हैं विवेक सिंह पुलिस अधीक्षक रीवा ने क्या कहा। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। ये सूचना मिली थी करीब 1.5 घंटे पहले कि कबाड़ी मोहल्ले में एक विवाद हुआ है दो पक्षों के बीच में, और जिसमें आपस में शराब के नशे में लोगों ने आपस में मारपीट किया था, जिसमें 3 से 4 लोग उसमें चोटें लगी हैं, और उनके तरफ से रिपोर्ट इसमें प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। साथ ही साथ जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के प्रयास किए गए हैं। कुछ संदेहियों को जरूर हिरासत में लिया गया है और उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ संदेही हमको मिले हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है कि उनका वहाँ पे उपस्थित होने का क्या कारण है और क्यों वहाँ पे आए हैं, तो सारी चीज़ों का उसी हिसाब से पता रसी की जा रही है।